शुरू होने वाला है अभीरा की जिंदगी का एक नया अध्याय। जी हाँ, हाल ही में आ चुका है एक बहुत बड़ा प्रोमो ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का, जिसकी कहानी देखकर आप सभी लोग इमोशनल होने वाले हैं। जिस जोड़ी को भगवान ने 100 मुश्किलों के बाद भी एक कर दिया था, जो साथ हुए अलग हुए लेकिन फिर किस्मत ने उन्हें एक साथ कर दिया, आज वही हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक बहुत बड़ा प्रोमो आया है जिसके बाद सीरियल की कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हमारे आज के इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं स्टार प्लस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाले सबसे बड़े महासप्ताह के बारे में। दोस्तों, अक्षरा के होने वाले बच्चे को अभिमन्यु एक्सेप्ट कर लेगा। मंजरी काफी गुस्से में आएगी लेकिन अभिमन्यु उसे समझाएगा कि किस तरीके से अभिनव ने बिना किसी रिश्ते के, बिना हक जमाए मेरी बीवी और मेरे बच्चे का ख्याल रखा था। शायद अब भोलेनाथ ने उनका एहसान चुकाने का हमें मौका दिया है। ये बहुत बड़ा कर्ज है उनके ऊपर जो अब उनके बेटे को इस दुनिया में लाकर, एक पिता का नाम देकर मैं पूरा करने वाला हूँ। वेल दोस्तों, अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मंजरी मान जाएगी और खुशी खुशी एक बार फिर से अक्षरा की शादी शुरू होगी। लेकिन दोस्तों, तभी उसी वक्त आपको बता दें कि अभीर और अभिमन्यु गाड़ी में बैठकर कहीं बाहर जाएंगे एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पे अभीर को अभिमन्यु कुछ खिलाने ले जाएगा और तभी उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाएगा। दोस्तों, गाड़ी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहेगी और बीच सड़क में फुल स्पीड में गाड़ी अभिमन्यु चला रहा होगा। अभीर की हालत भी खराब होती रहेगी, वो काफी डरेगा और अभिमन्यु किसी तरीके से अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेगा, पर यहाँ पर कार का एक्सीडेंट होगा और हमेशा हमेशा के लिए अभिमन्यु और अभीर इस सीरियल को अलविदा कह देंगे, यानी कि इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, जिसके बाद अक्षरा की जिंदगी में एक और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मंजरी इसका पूरा इल्जाम अभिनव के होने वाले बच्चे पर डालेगी और कहेगी कि ये बच्चा मनहूस है, बेकार है, और यहाँ तक कि ये कह देगी कि अक्षरा लगता है तुम में ही कोई कमी है। रिश्तेदार सारे के सारे, आस पड़ोस के लोग जो भी आएंगे, वो अक्षरा को ताना मारेंगे कि इस लड़की में ही कोई खोट है, जिसके भी पास जाती है हमेशा ही रिश्ता टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, अक्षरा की हालत खराब हो जाएगी क्योंकि उसने अपना बेटा खो दिया। दोस्तों, आप लोग कहानी के आने वाले इस ट्विस्ट पर क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अब बिल्कुल ना भूलें।